स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास में। दोस्तों, फेसबुक सीरीज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि फेसबुक बिजनेस सेटिंग्स के क्या फायदे हैं और उसका कंप्लीट ओवरव्यू देंगे। दोस्तों, अगर आपको फेसबुक एड सीखना है तो फेसबुक बिजनेस सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा यूज है इस कंप्लीट कोर्स के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और फेसबुक के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो, बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 800 के अराउंड वीडियोस हैं और इस साल लगभग 1000 वीडियोस, 30-35 नई सीरीज हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल इन डेप्थ ट्रेनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फेसबुक बिजनेस सेटिंग्स के बारे में ओवरव्यू देंगे, ताकि आप जैसे जैसे इस फेसबुक एड्स की सीरीज में आगे बढ़ो तो आपको चीज़ों का नॉलेज हो। तो दोस्तों, जैसे कि इससे पहले हमने आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना सिखाया, उसका ओवरव्यू बताया, अब हम आपको बिजनेस सेटिंग्स बताएंगे। तो जैसे आप अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फेसबुक बिजनेस सूट से जब आप एड मैनेजर के अंदर आते हैं, यहाँ से जब आप एड मैनेजर में क्लिक करके आओगे तो यहाँ पर इस तरीके से सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा बिजनेस सेटिंग्स का। तो जब आप बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास कंप्लीट एक पेज आएगा जहां पर आप बहुत सारी सेटिंग्स देख सकते हो। फेसबुक बिजनेस सेटिंग्स का इसको सेक्शन बोला जाता है। तो इसमें कई सारी सेटिंग्स के क्या फीचर्स हैं, एक ओवरव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं, ताकि आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी आपको इससे बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, पहला देखिए, यहाँ पर यूजर है। यूजर का मतलब पीपल पार्टनर एंड सिस्टम यूजर। पीपल का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इधर जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको अगर अपने अकाउंट का एक्सेस किसी को देना है, ठीक है, तो आप उसकी मेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हो और उसको एक्सेस दे सकते हो, मगर आपको यहाँ पर उसको एम्प्लॉई एक्सेस देना है, कंप्लीट एक्सेस देना है, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और फिर इसको आप एक्सेस दे सकते हो। अगला है दोस्तों पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के अंदर क्या होता है, जब आपको एक कंप्लीट एक्सेस किसी का लेना है या किसी को कंप्लीट एक्सेस देना है, तो इसमें यहां पर आप देख सकते हो पार्टनर टू शेयर एसेट्स विद। तो अगर आपको अपना एक्सेस किसी के संग शेयर करना है तो यहां पर ऐड कीजिए, ठीक है, उसकी पार्टनर आईडी वो जो आपको देगा वो यहाँ पर डालिए और उसको भेज दीजिए, वो एक्सेप्ट करेगा तो आपके इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट का सारा एक्सेस उनके पास चला जाएगा, वो भी मैनेज कर सकते हैं। अब किसी से रिक्वेस्ट करना है एक्सेस, तो उसके लिए आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसकी बिजनेस आईडी, सब आप यहाँ पर योर बिजनेस रोल, फिर पार्टनर्स रोल, और फिर ये रिक्वेस्ट आप भेज दीजिए। अगर वो करेंगे तो मतलब एक्सेप्ट करेंगे तो उनके पास आपके पास एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों सिस्टम यूजर, अब सिस्टम यूजर क्या है, सिस्टम यूजर का मतलब मान लीजिए आपका एम्प्लॉई है कोई और वो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, लैपटॉप डेस्कटॉप किसी सिस्टम पे काम कर रहा है, तो वो सिस्टम यूजर नेम बताएगा और उसको आपको कौन सा रोल देना है एम्प्लॉय का, एडमिन का, वो आप दे सकते हो और फिर वो उसके पास उस पर्टिकुलर आपके अकाउंट का एक्सेस चला जाएगा। तो ये तो होगा यूजर्स के अलग अलग रोल। आगे आते हैं अकाउंट्स। अब जैसे कि अकाउंट्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं, पेजेस। तो दोस्तों पेज जब आपका कोई कनेक्ट होगा, बिकॉज ये हमने नया अकाउंट बनाया था इसलिए अभी इसके अंदर पेज नहीं है, जब हम इसमें पेज ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हम पेजेस देख सकते हैं कौन कौन से पेजेस हैं।
इवन आप यहाँ से एक पेज ऐड कर सकते हो, बट वो पेज तभी ऐड कर सकते हो जब आप उसके पेज के एडमिन हो, तभी आप उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप उसका डालोगे नाम, वो पेज आ जाएगा। अगर आप एडमिन हो तो उसको ऐड कर सकते हो अपने इस अकाउंट में। और इसके अलावा रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, अगर आपको किसी पेज का एक्सेस लेना है किसी से, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड पेज में आप ऐड पेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप पेज नेम डालिए, ठीक है, और उसको ऐड पेज भेजिए। अब वो जब एक्सेप्ट करेगा तो आपको उसके पेज का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर है क्रिएट न्यू पेज, अगर आपको कोई नया पेज क्रिएट करना है अकाउंट में तो यहाँ से कर सकते हो। ऐड अकाउंट, तो ऐड अकाउंट में दोस्तों आप यहाँ पर जाइए, आपको कोई अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पर आप जाओ, अकाउंट आईडी डालो, जिसका वो अकाउंट है वो वहां पर एक्सेप्ट करेगा, तब आपको उस ऐड अकाउंट का एक्सेस मिलेगा। तो किसी के ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना है आपको तो यहां से ले सकते हो। रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, ठीक है, तो अब यहां पर आपको रिक्वेस्ट करना है तो यहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट करना है ऐड अकाउंट न्यू तो वो आप यहां से कर सकते हो। तो ऐड अकाउंट क्रिएशन में हम सिखाएंगे ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना। तो दोस्तों अब हम हैं बिजनेस एसेट्स ग्रुप। बिजनेस एसेट्स ग्रुप क्या है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस का ग्रुप है, ठीक है, कंपनी का ग्रुप है, उसमें कई लोग हैं, ठीक है, तो आप उसमें पेजेस चूज कर सकते हो, कौन से वहां पर एक्सेस देना है, कौन से ऐड अकाउंट पर एक्सेस देना है, कौन से पिक्सल्स जो कि वो जो ग्रुप है टुगेदर यूज कर पाए, वो सब चीजें। या आपको उन एसेट उन ग्रुप्स के अंदर लोगों को ऐड करना है, परमिशन देनी है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे, चीजें कर करके देखोगे, इजीली आ जाएंगी। एप्स पे जाइए दोस्तों, एप्स का ये तभी आप एक्सेस कर सकते हो जब आपकी कोई ऐप आपने कनेक्ट कर रखी है फेसबुक से। तो अगर आपको कनेक्ट करनी है तो कनेक्ट एन ऐप पे जाओ, ऐप आई डी डालो और फिर आप रिक्वेस्ट भेजो, वो आपको एक्सेस देगा, तब आप यहाँ पर उस ऐप को ऐड कर सकते हो। अब रिक्वेस्ट एक्सेस करना है तो वही डिटेल्स वगैरह डालो, रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है, तो और क्रिएट एन ऐप आईडी वो नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपको ऐड करना है अपने फेसबुक अकाउंट से तो आप यहाँ से कर लीजिए, ये वाले सारी चीजों का एक्सेस आपको मिलेगा। यहाँ पर जाइए, कनेक्ट टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट, यूजर नेम पासवर्ड डालिए, कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो कैसे वैसे भी आप फेसबुक अपने पेज को और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो, वो सब भी हमने सिखाया हुआ है सीरीज के अंदर। और कैसे आप अकाउंट को इंस्टाग्राम के अकाउंट को अपने इस बिजनेस सेटिंग्स में अपने ऐड अकाउंट के संग कनेक्ट कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, बस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट करो, स्विच कर सकते हो और वो फिर आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा और आप एक्सेप्ट कर देना। अब दोस्तों लाइन ऑफ बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस जो है, जैसे कि मार्केटिंग फंडर डू नॉट हैव लाइन ऑफ बिजनेस, ये तभी आपको अवेलेबल होगा जब आपका पेज कनेक्ट होगा इसके संग, ठीक है। तो वो अभी इसमें आपको कुछ नहीं देखना है करना। अब व्हाट्सएप ऐप अकाउंट्स, दोस्तों आप अगर अपने व्हाट्सएप को ऐड अकाउंट से कनेक्ट करना चाहते हो, ताकि इन फ्यूचर अभी सीरीज में हम आपको एड्स बनाना सिखाएंगे, तो वहां पर कई एड्स के अंदर लोग व्हाट्सएप पे लीड्स चाहते हैं, व्हाट्सएप पे लोगों को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो जब तक आपका व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा वो नहीं कर सकते हो। तो अपना व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके उसी व्हाट्सएप नंबर को जो कनेक्ट करोगे उसी पे ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ये भी हम आपको करना सिखाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो हम ओवरव्यू दे रहे हैं। डाटा सोर्सेस क्या होते हैं दोस्तों, कैटलॉग्स, आप कोई ई कॉमर्स कैटलॉग्स क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको ऑलरेडी किसी का ई कॉमर्स कैटलॉग बना है, उसका रिक्वेस्ट लेना है, तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी कोई कैटलॉग ऑलरेडी होती, ठीक है, पेज कनेक्टेड होता और उसमें कैटलॉग आपने क्रिएट करा होता, तो यहाँ पर वो सारा कैटलॉग शो हो रहा होता, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं पिक्सल्स। तो पिक्सल्स दोस्तों आपको कैसे बनाना है, कैसे आप पिक्सल ऐड कर सकते हो, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे जब इवेंट मैनेजर का सेक्शन आएगा, जब हम आपको पिक्सल्स वगैरह ऐड करना सिखाएंगे। तो पिक्सल्स बने होंगे अलग अलग अकाउंट में, तो वो पिक्सल्स दिखाएगा सारे के सारे आपको, क्योंकि नया अकाउंट है, मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये चीज नहीं दिख रही आपको।
ऑफलाइन इवेंट सेटअप, ऑफलाइन इवेंट सेटअप भी आपको फर्दर सिखाएंगे वही इवेंट्स के जब हम आपको काम करना सिखाएंगे। कस्टम कन्वर्जेंस, दोस्तों कस्टम कन्वर्जेंस आप तभी देख सकते हो जब आपका पेज कनेक्टेड होगा और आपके एड्स चले होंगे, कुछ कस्टम कन्वर्जेंस आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, अभी इवेंट सोर्स ग्रुप अब ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बिजनेस एसेट्स ग्रुप्स में आ चुका है, जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बिजनेस एसेट्स ग्रुप बताया था। शेयर्ड ऑडियंसेस, तो दोस्तों ऑडियंस अभी हमने क्रिएट ही नहीं करी है, तो जब हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे अपने एड्स में तो वो अपने आप यहाँ डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी, तो आप अलग अलग ऑडियंस को अपने अलग अलग कैंपेन्स में सेलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर, दोस्तों अगर आपके अलग अलग बिजनेसेस हैं तो उनके नाम फोल्डर के नाम देके उसमें आप अपनी इमेजेस, लिंक्स जो रखना है अपना डाटा रख लो ताकि उसको अपने एड्स वगैरह में यूज कर पाओ। ब्रांड सेफ्टी में जब हम आते हैं तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, आज की डेट में पहले नहीं होता था, जब से iOS का इशू आया है उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, तो iOS जब तक आपका डोमेन नेम आपके फेसबुक अकाउंट से वेरीफाइड नहीं होगा, कनेक्टेड नहीं होगा, तो इस चक्कर में आपका अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है अगर वो नहीं होगा, तो वेरीफाई जरूर करें अपने डोमेन को अपने फेसबुक पेज से। ठीक है, ब्लॉक लिस्ट, अगर आपको कोई पेजेज ऐप से कुछ भी ब्लॉक करना है यूजर्स को, आप यहाँ पर जाके लिस्ट डाल के उनकी डिटेल डाल के ब्लॉक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन, न्यूज पेजेस का कोई रजिस्ट्रेशन करना है ठीक है आपके पेज से, ठीक है, तो पेज आपका होना चाहिए और फिर वो कनेक्ट होना चाहिए तो यहाँ पर आएगा, तो इसका भी दोस्तों कोई यूज इतना है नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। अब इंटीग्रेशन में जब हम आते हैं, लीड एक्सेस, दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब आप लीड्स के एड्स चलाओगे ठीक है, तो वो लीड्स वगैरह सारा डाटा वगैरह सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, और जब वो डाटा आएगा तो उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं, वो हम आपको आगे चल के सिखाएंगे। पेमेंट मेथड, दोस्तों पेमेंट मेथड है कि आपको अपना, ऑब्वियसली अगर आपको ऐड चलानी तो पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो अब आगे आने वाली दो चार वीडियो में आपको मिलेगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, सिक्योरिटी सेंटर, दोस्तों सिक्योरिटी सेंटर है, आपको टू वे ऑथेंटिकेशन लगाना है, अगर आपको सिक्योर करना है अपने अकाउंट तो ये जरूर कीजिएगा और ये बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, और फिर आपको अगर एडमिन के लिए लगाना है या किसी के लिए भी नहीं लगाना है, ये हर किसी के लिए लगाना है, ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एड अनदर एडमिन, कोई एडमिन ऐड करना है तो आप यहाँ से एडमिन ऐड कर सकते हो अपने, ठीक है, अकाउंट के लिए। तो ये हो गया बिजनेस वेरिफिकेशन का, दोस्तों हम कोई ज़रूरत हमारा ऑलरेडी हो रखा है इसलिए अभी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो जिसका नहीं हो रखा होता तो उसको वेरिफिकेशन करना होता है। अब दोस्तों रिक्वेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट वो है जब हमें कोई रिक्वेस्ट भेजेगा या हमने किसी को भेजी होंगी तो यहाँ पर आएंगी, जो यहीं से लोग एक्सेप्ट करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, जो भी करना होता है। अब नोटिफिकेशंस की जहाँ तक हम बात करें, तो नोटिफिकेशंस के अंदर ये सारे के सारी ये डिटेल हमारी आ रही है, बिजनेस मैनेजर की ईमेल आईडी से है, ठीक है, रोल्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर आपको मेल पे नोटिफिकेशन लेना है तो इसको ऑन कर दो, नहीं लेना तो बंद कर दो। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन लेना चाहते हो उसको ऑन और ऑफ कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये अपडेट्स और उसके लिए जरूरी होता है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन से नोटिफिकेशंस कहाँ पर लेने हैं, बिजनेस मैनेजर में लेने हैं या ईमेल आईडी पर भी लेने हैं। ठीक है, एक तो होता है नोटिफिकेशंस का आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट में नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, एक ईमेल पे तो नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसके लिए है। अब दोस्तों बिजनेस इन्फो, ये बेसिक है भाई, आपकी आपके बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स आप यहाँ पर पूरी फिल कर दीजिएगा जो भी कमी पेशी होगी, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपका अकाउंट डिसेबल है कुछ होता है तो, और अगर आपकी सारी बिजनेस डिटेल्स हैं तो उससे आपको रिकवर करने में फायदा होता है। ठीक है, और इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है अकाउंट की अगर आपकी सारी बिजनेस डिटेल्स हैं तो। और सेटअप गाइड, दोस्तों ये फेसबुक ने खुद दे रखी है कि आपको कुछ सीखना है, समझना है तो ऐड अकाउंट कैसे करें, क्लेम कैसे करें, ये आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस सेटिंग्स आपको अच्छे से ओवरव्यू समझ में आया होगा, आपको इससे पहले जो हमने बिजनेस मैनेजर का ओवरव्यू दिया है उससे पहले हमने बिजनेस सूट अकाउंट का ओवरव्यू दिया, तो सारी सेटिंग्स आपको पता लगी होंगी, ताकि जब इस सीरीज में हम आपको एड्स बनाना सिखाएं और दूसरी फंक्शनैलिटी सिखाएं तो आपको उनका पहले से आइडिया हो ये चीज़ें हैं, तो जब हम आपको सिखाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो वैल्यूएबल रही होगी। थैंक यू।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी एजेंसी से या आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो और आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों हमें आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।